मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी। पता चला कुछ? और जगह है अपने मामा, उतनी जगह लग रही है कि उससे चल रहा है इनका नाश्ता। मेन हाईवे है गाइस जहां का ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है 8:10। और गाइस आज मैं घूमने जा रहा हूँ शिवपुरी और माता के मंदिर घूमने जा रहे हैं हम। पूरी फैमिली जा रही है गाइस। और अभी हम निकलने वाले हैं, कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए हैं। तो गाइस सब लोग नीचे पहुँच चुके हैं और चलते हैं फिर नीचे। नीचे नहीं गई क्या? पानी दे दो मुझे। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर। मैं अब गाड़ी देख रहे हो, उसी में बैठ के हम जाएंगे। और जी है गाइस अपनी गाड़ी इग्निस। इसके गाइस अभी व्हील कवर डल रहे हैं गाड़ी के, इस साइड का व्हील कवर डला है। मम्मी हटा देना उसको। किसको? इधर मुझे काम से चलवा। अरे जल्दी चलो। सब लोग पहुंच चुके हैं और इसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो गाइस चलते हैं आगे। दो बैठ जाएंगे आगे? बैठ तो जाएंगे, सही है, बढ़िया है, तीन लोगों की जगह है। तो गाइस फाइनली निकलने के लिए हो गए हैं हम रेडी। और अभी आ रहेगा इस ड्राइवर। चलो बोल काली मैया की जय। बोल गंगौआ महाराज की जय। ने कहीं का ऊपर रख दे यहां पे। हां अपन ने क्या आगे बढ़ाओ। हां अब अपन नीचे उतरे नहीं, अपन ने कहीं। तो गाइस अभी हमारे साथ नानी भी चल रही हैं, तो उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं अभी। ये जो गली दिख रही है गाइस, ये यहां से मेरी नानी का घर है। तो गाइस नानी आ चुकी हैं। तो गाइस आगे से अब हम पीछे बैठने वाले हैं। तो ये गाइस पीछे बैठने की पूरी बोल व्यवस्था। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी में डीजल वगैरह भर रहा है, तो सब लोग उतर गए हैं। गाइस हमारी गाड़ी में हो चुका है फ्यूल कंप्लीट, डल चुका है फिर। अब जी कैसे सही होगी भाई साहब? हाँ अब कैसे सही होगी? तो गाइस हमारी गाड़ी बीच में रुक चुकी है। और यहाँ से गाइस अभी थोड़ा कोई शहर भी नहीं है, तो दूर है अभी। तो गाइस यहाँ पर हो गई है एक दिक्कत। हमारी गाड़ी जो चल रही थी बढ़िया तरीके से, और अचानक से ये रुक चुकी है। तो गाइस भैया चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो गाइस इसमें दिक्कत आई थी। गा लगा लो। तो गाइस हम थोड़ा हो जाएंगे लेट। सामने चल रहा है गाइस अपने, ये अपने हाईवे है, मेन हाईवे। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। देखो ये एक ट्रक में इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, बस में एक ही ड्राइवर है। कितना रिस्की है। बढ़िया एंजॉय करते हुए जा रहे थे हम, पता नहीं गाइस क्या हो गया इस गाड़ी में अचानक से। और अभी हमको यहाँ पर 10-15 मिनट हो चुके हैं पूरे। भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को चालू करने में, बट फिर भी प्रॉब्लम है उसमें। अभी टाइम हो रहा है 10:05, और हमें यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं पूरे। तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी, पीछे गाड़ी अपनी रुक जाएगी। और अब तो हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि गाइस हम निकले थे 8 के समथिंग, और 8 निकलने के बाद हमें लगा कि हम 1 तक आराम से पहुंच जाएंगे। यहाँ में जाना है शिवपुरी के थोड़ा आगे,
माता के मंदिर जा रहे हैं हम। और अब तो मुझे लग रहा है गाइस हम पहुंचेंगे शायद 2:30 बजे, अगर कोई गाड़ी मिली या नहीं मिली। अब इसको ही देखते हैं गाइस, इसमें अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, देख के आते हैं क्या दिक्कत है। पता चला कुछ? चला रहे हैं, पता भी चला भैया यार क्या क्या हो क्या गया, देख तो रहे हो तुम क्या यार, बढ़िया जा रहे थे ना, बीच में दिक्कत आ गई ना। सीधे गाइस सामने चल रहा है, बिल्कुल हाईवे तेज चल रहा है, बिल्कुल गाड़ियाँ निकल रही हैं, बहुत तेज़ गाड़ी निकल रही हैं, बहुत बड़ा हाईवे है, मेन हाईवे है गाइस यहाँ का। ये चल रहा है इनका नाश्ता, क्या है भैया यार, जा फंस गए यार, कैसे देखो छोटे आदि भाई, तो पूछ लो जानकारी क्या हो तो। तो गाइस अभी हमारे चल रहे हैं चावल, और गाड़ी तो उधर सही में ख़राब हो चुकी है, अब तो बहुत टाइम हो गया, मैं आधा घंटा होने को आया। तो गाइस ये चल रहे थे हमारे चावल, और मैं आपको बता दूँ मैं और मेरे मामा एक बेहतरीन जगह पे बैठे हैं अभी, तो देख लो गाइस पीछे झाड़ है भयंकर, और ये गाइस अपने मामा। तो हम फंस चुके हैं एक बिल्कुल हाईवे के बीच में, और माही वगैरह कहाँ है अपने? दावा। तो गाइस इधर मैं ड्राइवर बन चुका हूँ, भैया ने मुझे कहा चालू करने के लिए गाड़ी, भैया जब बोलेंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। जो देखो मामा हमारे जा रहे हैं टहल रहे हैं, माई भाई बैठी होंगी, तुम कह रहे यहाँ के पेड़ अच्छे हैं हैं? है ना? ना? ठंडक लगेगी ना। अरे इससे वो तो जाएगा, पर ये कोई वैसी नहीं रहती, पता नहीं रहता, अंदाजा मिल जाएगा, लो लगा लो। तो गाइस बहुत बुरा हाल हो गया है, गाड़ी तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही। और गाइस हमें यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं पूरे, और पीछे अपनी गाड़ी ये ख़राब रखी है। अब गाइस आ चुकी है एक नई गाड़ी, जो कि बुलेरो पीछे देखो जो खड़ी है इसके, और 2 घंटे वेट करने के बाद हम इसमें बैठ के जाएंगे। तो फिर गाइस इतना ट्रैवल करने के बाद फिर हम पहुँचे माता के मंदिर, जहाँ पर हमें पहुँचना था। और ये जो जगह देख रहे हो, जो कि एक गांव में है, और शिवपुरी से समथिंग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और काफ़ी अच्छी जगह है ये। जो बगल में देख रहे हो जो मंदिर है मेन माता का। और फिर गाइस मैंने और सभी ने माता के दर्शन किए। और गाइस एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर साइड से बिल्कुल एक नदी भी बहती है जिसका नाम सिंध रिवर है। तो दर्शन करने के बाद गाइस फिर हमको खाने को मिला भंडारा, और सामने देख लो गाइस माता बैठी हैं इधर ही। और आज जो लास्ट डे था माता का, तो आज ये माता जाने वाली हैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली हो चुकी थी रात, और हम रेडी थे घर निकलने के लिए। और फिर गाइस हम निकल गए थे अपने घर के लिए, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और अभी जो देख रहे हो आप गाइस, हम खेल रहे हैं अंताक्षरी, और लिटरली गाइस बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। तो इसी के साथ गाइस आज की इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।